कुमार वाला पक्ष है, उनका 400 रुपये का बकाया का तू तू मैं हो रहा था। फिलहाल वहाँ पे पुलिस कैंप कर रही है, जो अपराधी हैं वो कुछ को पकड़ लिया गया है, कुछ जो हैं घर द्वार छोड़ के अपना भागे हुए हैं। फिलहाल वहाँ पे पुलिस कैंप कर रही है, जो अपराधी हैं वो कुछ को पकड़ लिया गया है, कुछ जो हैं घर द्वार छोड़ के अपना भागे हुए हैं। बीती रात राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। ट्रिपल मर्डर से पूरा पटना दहल उठा। देखिए पटना के फतुहा इलाके में जिस तरीके से बीती रात करीबन 11:30 बजे के लगभग में दो गुटों के बीच पहले झड़प होती है, उस झड़प के बाद कुछ लोग अपने दोस्तों को बुला लाते हैं और राइफल निकाल दे धनादन गोलियां चलती रहती है। ऐसा खुलासा हमने नहीं, पटना SP ईस्ट संदीप सिंह ने किया है। देखिए कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है तो कई आरोपी पटना पुलिस की गिरफ्त से फरार भी चल रहे हैं, मगर पटना पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, गोली 4 लोगों को लगी थी, एक व्यक्ति अभी भी इलाजरत है। रामकृष्ण नगर इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। प्राइमा फेसी अगर बात करें तो इस पूरे मामले में दूध के पैसे की लेन देन की घटना सामने आ रही है। पूर्व से जमीन का विवाद भी चल रहा था और इन्हीं सब विवाद के बीच मामला इतना बढ़ गया कि कल कुछ लोग आते हैं और दे धनादन गोलियां चलाने लगते हैं। बहरहाल अब हम आपको सुनवाते हैं SP ईस्ट संदीप सिंह इस मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। रात को हमको सूचना मिली थी कि फतुहा थाना में एक सुरगापुर गांव है, सुरगापुर गांव में फायरिंग की घटना हुई है और सुरगापुर से सटा हुआ बीच में एक नहर टाइप है और उससे सटा हुआ एक गांव है जिसका न्याजीपुर है नाम। तो बेसिकली जो सुरगापुर वाला एरिया है वहाँ पे 3 लोगों को गोली लगने की सूचना थी। जैसे ही रात्रि में सूचना मिली तो जो फतुहा SHO हैं, फतुहा DSP हैं और जो आसपास के सारे थाने हैं उनको इमिजिएटली मोबिलाइज किया गया। वहाँ पे जब ये लोग पहुँचे तो एक घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जो 3 जिनको गोली लगी हुई थी वो उनको विधिवत कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए पटना में भेजा गया। एरिया में इस चीज़ को जब खंगाला गया और जो प्राथमिकता पे जांच की गई उसमें ये पता लगा कि न्याजीपुर का एक लड़का है जिसका नाम मिंटुस कुमार है और ये और इसके 2 साथी एक जय सिंह एक शैलेश कुमार, जय सिंह और शैलेश कुमार जो है इनकी डेथ हो गई थी और घायल हो गया था मिंटुस कुमार। ये न्याजीपुर का रहने वाला है, ये 2 हैं जो जय सिंह और शैलेश ये सुरगापुर के रहने वाले हैं और इनकी लड़ाई जो थी वो थी जो द्वितीय पक्ष है इनका जो जिसकी डेथ हो गई है उसका नाम है प्रदीप कुमार भी सुरगापुर का रहने वाला है। जो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी तफ्तीश में आया वो ये है कि इनका दूध को लेके कोई लड़ाई हुई थी। दूध का जो कारोबार है ये लोग जो बताया जा रहा है प्रथम पक्ष जय सिंह शैलेश मंटूश इनके द्वारा जो है जो द्वितीय पक्ष है जो प्रदीप कुमार वाला पक्ष है उनका 400 रुपये का बकाया का तू तू मैं हो रहा था। अब इसी जो है तू तू मैं एकदम से बढ़ गई। ये लोग जो है ये जो मंटूश है ये न्याजीपुर से जब उधर गया है अपने संगी साथियों के साथ वहाँ सरगापुर में तो वहाँ पे गोलीबारी की ये जो फायर आर्म्स वाली घटना है वहाँ पे हुई है। तो उसमें जो हम लोग गिरफ्तारी किए हैं व्यक्तियों की, एक तो प्रथम पक्ष का जो ये है इंद्रजीत कुमार, दूसरा है रोहित कुमार, कपिल सिंह और एक का नाम है ललन सिंह। द्वितीय पक्ष के जो हैं वो हैं उपेंद्र प्रसाद, नवदीप कुमार, हर्षदीप कुमार, एक का नाम जज कुमार है, उमा शंकर कुमार, बिंदा सिंह और दीपक कुमार। जो घटना स्थल पर हम लोगों ने बरामद की हैं चीज़ें वो एक इलीगल कंट्री मेड राइफल है और दूसरा एक चिड़िया मारने वाला शॉटगन टाइप का है। उसके अलावा वहाँ से जो है खोखे बरामद हुए हैं, लगभग 12 खोखे हैं।
जिनसे ये घटना को अंजाम दिया गया है। और भी वेपन्स की सर्च ऑलरेडी पुलिस वहाँ कर रही है, जैसे जैसे कोई और मिलेगा हम आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल वहाँ पे पुलिस कैंप कर रही है, जो अपराधी हैं वो कुछ को पकड़ लिया गया है, कुछ जो हैं घर द्वार छोड़ के अपना भागे हुए हैं। इसके अलावा इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी पहचान हम लोग कर लिए हैं, और उनके जो पटना में अलग ठिकाने हैं या आसपास के एरिया में ठिकाने हैं, कल रात से ही वहाँ पे छापेमारी के लिए टीमें निकाली गई हैं। एसडीपीओ फतुआ जो हैं वो खुद जो है इस छापेमारी अभियान को लीड कर रहे हैं। इसमें टोटल गिरफ्तारी इसमें 12 है सर। गोलियाँ कितनी चली थी सर? तो जो है गिनती तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जैसे खोखे बरामद हुए हैं गोलियाँ अच्छी खासी तादाद में चली हैं दोनों पक्षों से। पूर्व में भी इन दोनों का जमीन को लेकर कोई बात चल रहा था क्या? था लंबी छानबीन में कुछ नहीं? ये एक हमको मीडिया के ही तरफ से जो है ये पता चला है कि कोई इनका पूर्व का विवाद भी है, लेकिन हम इसमें क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं है कि इनका कोई पूर्व का जमीन का विवाद था, क्योंकि जो ग्राउंड पे विवाद है इनका दूध को लेके था। जो प्रथम पक्ष है उसका 400 रुपया का लगभग का पेमेंट का, या इनका जो आपस में कोई हिसाब किताब रहता है उसमें इनका अंतर था। ये क्योंकि अगर ज़मीन का विवाद है तो ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड होता, जो थाने में मीटिंग्स होती हैं ये लोगों से भी पूछा जा रहा है कि आप कभी आए थे, तो इनमें से जो मेजोरिटी। तो आपने सुना पटना एसपी ईस्ट संदीप सिंह को, जिन्होंने बताया है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। वहीं आधा मामला सुलझा लिया जा चुका है, 10 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो कई आरोपी अभी भी पटना पुलिस की गिरफ्त से फरार है। 400 रुपए को लेकर विवाद हुआ, दूध को लेकर विवाद हुआ, और इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि तू-तू मैं-मैं हुई, तू-तू मैं-मैं के बाद गोलियां चलने लगी। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद। प्रदीप कुमार वाला पक्ष है, उनका 400 रुपये का बकाया का तू-तू मैं-मैं हो रहा था। फिलहाल वहाँ पे पुलिस कैंप कर रही है, जो अपराधी हैं वो कुछ को पकड़ लिया गया है, कुछ जो हैं घर द्वार छोड़ के अपना भागे हुए हैं। फिलहाल वहाँ पे पुलिस कैंप कर रही है, जो अपराधी हैं वो कुछ को पकड़ लिया गया है, कुछ जो हैं घर द्वार छोड़ के अपना भागे हुए हैं।